हाय गाइस, कैसे हो आप सब। आज मैं आपको दिखाने जा रही हूँ भिंडी और आलू की सब्जी कैसे बनाते हैं। गैस ऑन कर देती हूँ और उसमें तेल डालेंगे हम। इसमें पानी, ये सूखी हमें बनानी है तो तेल थोड़ा ज़्यादा लगता है। तेल को गर्म होने देते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमारा तेल गर्म हो चुका है। अब हम इसमें राई जीरा आधा चम्मच डालेंगे और ये जो लहसुन की पेस्ट, 3-4 क्लोव्स मैंने लहसुन के गार्लिक के लिए हैं, वो गार्लिक की पेस्ट हम डाल देंगे। हींग डालेंगे, जो मैंने काट के रखे हैं वो डाल देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, एक बार मिक्स कर लेते हैं। आधा चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे और स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। मैं अभी 1 चम्मच डाल रही हूँ और मिक्स कर देंगे अच्छे से। अब इसे पकाने का 2 तरीका है। एक तो आप इसको ढक के इसके ऊपर पानी डाल के उसका जो स्टीम बनेगा उससे पका सकते हैं और गैस तब स्लो रखना है। और दूसरा प्रोसेस है जो मैं प्रिफर करती हूँ। तो मैं क्या करती हूँ, जितना हम इस पे पानी डालते हैं और जितना स्टीम का पानी अंदर गिरता है उतना ही पानी मैं डायरेक्टली डाल देती हूँ। जैसे कि ऐसे आप इतना ऐसे मुट्ठी में लो और थोड़ा ऐसे 2-3 बार, बस इतना आपको डालना है और थोड़ा, ठीक है। और जितना हमारा जो स्टीम से जाएगा उतना ही आपको डालना है ताकि ये जले नहीं हमारी भाजी, ठीक है। और पानी सब ये हो जाएगा, जल जाएगा, ख़त्म हो जाएगा तो तेल छूटने लगेगा और हमारी ये चिकट बिल्कुल नहीं लगेगी भाजी। तो फिलहाल मैं अभी इसको बंद कर देती हूँ और मीडियम आंच, आपको एकदम स्लो नहीं करना है क्योंकि हमने पानी डाला है तो जलने का डर नहीं है। तो अभी देखते हैं हमें कितना टाइम लगता है पकाने में और आपको फिर मैं बताती हूँ। अभी मिलती हूँ मैं जब पक जाए भाजी तब। हाँ फ्रेंड्स, तो 3-4 मिनट हो गई है। एक बार हम चेक कर लेते हैं कि हमारी भाजी कहीं जल तो नहीं रही ना। तो ये जो स्टीम है उसका पानी मैं ऐसे नीचे से ऐसे जाने देती हूँ और चेक करते हैं। मुझे लगता है थोड़ा थोड़ा बैठने लगा है तो मैं थोड़ा पानी पहले छिड़क लेती हूँ ताकि ये ट्रिक है। अगर आपको लगे कि थोड़ा बैठ गया है आलू तो आप ज़बरदस्ती मत निकालो उसको, थोड़ा पानी डाल दो, अपने आप निकल जाएगा। कहते हैं देखिए, पहले नहीं निकल रहा था, अभी देखिए आराम से निकल गया पानी डाला ना। ये इसकी ट्रिक है कि आपको ज़बरदस्ती नहीं करनी है। और ऑलमोस्ट भिंडी और ये पकने को आए हैं, थोड़ा मीडियम गैस कर देंगे। अभी मैंने स्लो किया था और पकने देते हैं। हाँ तो फ्रेंड्स, मैंने 2-3 मिनट और 2 मिनट और फास्ट गैस पे पकने दिया, फिर मैंने दिए, अभी मैंने फास्ट कर दिया है, वापस स्लो कर देती हूँ, चेक करना है। फिर से हम वही प्रोसेस करेंगे। देखिए अभी आराम से निकल रही है भाजी, ऐसे चिपक नहीं गई है, मतलब हमारी भाजी जली नहीं है तो हमें पानी अभी डालने की ज़रूरत नहीं है। और हम चेक कर लेते हैं, हाँ तो ये पक भी गया है दोनों आलू भी। इसमें हम मसाला करेंगे, 2 चम्मच कश्मीरी मिर्च डालेंगे और 2 चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे और
साबुत ये जो हमारा ये जो धनिया है हरी धनिया वो भी इसमें अच्छे से डाल लेंगे। वो आराम से मिक्स करना है ताकि हमारी भिंडी और वो आलू टूटे नहीं, और थोड़ा हमें पकने देना है वापस। तो क्या है ये जो पानी का पार्ट है वो भी निकल जाएगा, हमारी भाजी चिकट नहीं रहेगी और टेस्ट आ जाएगा मसाले का भाजी में। देखिए फ्रेंड्स कितनी सुंदर दिख रही है भाजी, अभी तेल छूटा नहीं इसमें। अभी मैं थोड़ी देर उसको स्लो गैस पे ढक के पकने देती हूँ। फ्रेंड्स 2 मिनट हो चुकी हैं, अब हम देखते हैं हमारी भाजी कैसी बनी है। ये देखिए हमारा जो पानी था वो भी ऑलमोस्ट चला गया और बिल्कुल चिकट नहीं है, आप देख सकते हैं, और मसाला भी एकदम अच्छे से बैठ गया है। ये मैंने पान गार्निश करेंगे धनिया के साथ। और फ्रेंड्स हमारी भिंडी की भाजी रेडी है, गैस ऑफ कर देती हूँ। और ये देखिए कैसी लगी आपको ये 5 से 6-7 मिनट में आपकी भिंडी की भाजी रेडी है। तो बताइए कैसी लगी आपको ये रेसिपी, और अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।